वेलकम बैक टू नो झेंडा दिस इज़ द सेकेंड वीडियो इन द मेडिटेशन सीरीज और इस सीरीज़ में आई एम ट्राइंग टू शेयर माई रिजोर्सेज एंड वट एवर आई हैव लर्न इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस तो आज के वीडियो में मैं वो तीन चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जिनसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा बिटवीन द डिफ्रेंस ऑफ जब मेरी एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं थी और फिर जब मेरी एक प्रैक्टिस बन गई तो आई वॉन्ट टू शेयर दोज थ्री थिंग्स तो उसमें जो मुझे लगा कि uh, सबसे बड़ा डिफरेंस जो था वोज़ लर्निंग क्योंकि मैं अपने जीवन के शुरू के ऑलमोस्ट आई वुड से 38, 39 इयर्स तक मैं जैसे मैंने पिछली बार कहा था मैं मेडिटेशन करना चाहती थी पर मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ मैं क्या करूँ तो so, वो जो थर्टी एट के एज में जो पहली बार लर्निंग एक प्रॉपर जो लर्निंग हुई सो आई वुड कॉल दैट एज द फर्स्ट थिंग एंड उसमें आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हाउ डू यू फिगर आउट योर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट द टीचर्स दैट हैव लर्न फ्राम एंड इवन मैंशन सम बुक्स जिनसे मैंने पढ़ा और मैंने कुछ सीखा दूसरा पॉइंट uh, जो मुझे लगता है जिससे सबसे बड़ा डिफरेंस आया सीख लेने के बाद भी ऐसे कई लोग हैं जो जाकर मेडिटेशन सीखते हैं उन्हें पता है कि आंख बन करके क्या करना है पर फिर भी वो एक्चुअल की प्रैक्टिस नहीं बना पाते और मैं भी नहीं बना पा रही थी जब तक मैंने कमिट नहीं किया सो दिस इज कमिटमेंट टू प्रैक्टिस और फिर थर्ड फैक्टर जिससे मुझे लगा कि मेरी मोटिवेशन बढ़नी शुरू हुई वॉज ऑब्जर्वेशन वेन यू स्टार्ट कीपिंग ट्रैक कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो उससे मेरे जीवन में क्या चेंज आता है क्या फर्क आता है तो इसमें सबसे पहले वाले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं सीखना तो सीखने में मैं बिफोर आई गो फर्दर जस्ट थोड़ी कुछ जनरल टर्म्स की बात करना चाहती हूँ मेडिटेशन के बारे में क्योंकि तो जब आप मेडिटेशन के बारे में सीखना शुरू करोगे तो ये शब्द शायद सामने आएंगे तो मेडिटेशन को अक्सर ये लोग दो भागों में विभाजित करते हैं जिसमें से एक को कहते हैं समता और दूसरे को कहते हैं विपासना समता यानी बैलेंस मैं इंग्लिश ट्रांसलेट कर रही हूँ उसका यूजली इसको सेरेनिटी प्रैक्टिस ट्रैंक्वलिटी मेडिटेशन भी कहा जाता है और विपासना का यदि इंग्लिश में अर्थ ने, तो हो गया क्लियर सीइंग साफ साफ देखना विपासना इसको इंग्लिश में कभी कभी इनसाइट मेडिटेशन भी ट्रांसलेट किया जाता है मोटे मोटे तौर पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि समता मेडिटेशन जो है वो आपके मन को शांत करने के तरीके हैं ताकि जो भी उथल पुथल चल रही है हलचल रुक जाए और जिसका एक एनालॉजी दिया जाता है कि पानी में यदि मिट्टी हो और वो पानी बहुत हिल रहा हो तो उसमें कुछ देखना बहुत मुश्किल है लेकिन यदि उसी पानी के बर्तन को आप थोड़ी देर के लिए रोक दें तो वो मिट्टी जमीन पर बैठ जाती है पानी साफ हो जाता है और दिखना ईजी हो जाता है तो वो पर्पज है समता मेडिटेशन का विपासना का जैसे मैंने कहा इज सींग क्लियरली तो सींग क्लियरली वॉट तो अगर अब हम देखें तो स्पिरिचुअल पूरे के पूरे स्पिरिचुअल पाथ का ऑब्जेक्टिव क्या है इट इज टू सी थ्रू दिस वर्ल्ड वट वट इज द ट्रू लॉ दैट गवर्न्स दिस यूनिवर्स आप यूनिवर्सल लॉ को देख सके उसका सच समझ सके इस लायक हो जाए इतनी क्लियर साइटेड हो जाए तो उसमें जिसको वो कहते हैं कि दुनिया के तीन लक्षण त्रिलक्षण कहे गए कि दुख अनिच्च अनत तो जब भी कभी आप इन तीन लक्षणों को या दुनिया के सत्य को देख रहे हैं तब आप विपसना कर रहे हैं और जब आप अपने मन को शांत कर रहे हैं तो आप समता कर रहे हैं और इनमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं डिफरेंट इन दोनों चीज़ों तक पहुंचने की अगेन उसके बारे में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी है शायद डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट विचार है इसके बारे में जैसे जिसको ब्रेथ मेडिटेशन कहते हैं वो अक्सर लोग कहेंगे कि वो समता मेडिटेशन की प्रैक्टिस में है बट मैंने ऐसा भी कुछ लोगों से सुना है कि आप ब्रेथ मेडिटेशन को भी इस तरह से कर सकते हैं कि इट लीड्स टू विपासना, इट लीड्स टू क्लियर सीइंग बॉडी स्कैन एक प्रैक्टिस है और बॉडी स्कैन अगेन यूजली बॉडी स्कैन इज पार्ट ऑफ जो सती पठान सूत्र है उसके पार्ट में आता है बॉडी स्कैन वेदना अनुपासना के अंतर्गत और वो अक्सर उसको उपासना के साथ कहा जाता है बट अगेन कुछ टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि बॉडी स्कैन समता भी हो सकता है इट कैन जस्ट हेल्प यू काम डाउन यूर माइंड ऑल्सो आई वुड से ध्यान या ध्यान प्रैक्टिस को तो शायद मोस्ट पीपल विल से कि वो सिर्फ समता की ही प्रैक्टिस में आता है तो शायद दैट इज द ओनली एक्सक्लूसिव समता मेडिटेशन अगर विपासना में देखें तो फाइव डेली रिक्लेक्शन्स कुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ विपासना प्रैक्टिस सो जस्ट ये मोटा मोटा एक टर्मिनोलॉजी uh, समझने के लिए uh, मैंने स्टार्ट दिया है ऑफकोर्स जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आप इन चीज़ों के बारे में और डिटेल्स भी समझेंगे बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई थॉट आई वॉन्ट टू मैंशन कुछ किताबें हैं जो uh, शायद शुरू शुरू में कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन अगेन मेरा ये वीडियो सीरीज़ बनाने का पर्पज़ आपको मेडिटेशन अच्छी है ऐसा कन्विंस करना बिल्कुल नहीं है पर फिर भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ये तीन चार किताबें मैं मेडिटेशन के बारे में रिकमेंड करना चाहती हूँ एक है ऑल्टर्ड ट्रेट्स इसमें बहुत सारे uh, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया गया है न्यूरोसाइंस के अंतर्गत एम आर स्कैन्स करके कि मेडिटेशन से क्या फ़र्क आता है दूसरी किताब है माइंडफुलनेस बाय जोसेफ गोल्डस्टीन और इस किताब में ये बहुत बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई किताब है और ये सतीपाथान सूत्र को बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में कैसे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो उसके बहुत सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं फिर एक किताब जो मुझे बहुत पसंद है और शायद मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट भी की है इज़ फुल केटसटफी लिविंग बाय जॉन कब्त जिन और एक ये मैंने सबसे रिसेंट पढ़ी शायद पिछले साल या डेढ़ साल पहले द माइंड इल्यूमिनेटेड सो इस किताब का सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने मेडिटेशन को 10 स्टेजेस में ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या एक्सपेक्ट करें और फिर अगली स्टेज में क्या होगा एंड सो ऑन सो आई वुड से ऑल फोर ऑफ़ दीज बुक्स आर अमेजिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स द नेक्स्ट पार्ट इन लर्निंग इज़ टू एक्चुअली फाइंड अ टीचर तो आई कैन रेकमेंड जिन टीचर्स से मैंने सीखा तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगी कि आप गोताजी के पास जाकर दस दिन का कोर्स उनसे करें मैं वेबसाइट नीचे लगा रही हूँ वेपासना रिसर्च इंस्टीट्यूट की इनके बहुत सारे केंद्र हैं इंडिया में कैनेडा में यूएस में इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो पैसे नहीं लेते लेकिन हाँ आपको दस दिन वहाँ जाकर रहना पड़ेगा आपको दस दिन के लिए अपना फ़ोन बाहर अपने फैमिली फ्रेंड्स सबसे रिश्ता काटना पड़ेगा आप दस दिन के लिए कमिट करते हो कि आप बात नहीं करोगे आप कोई टी वी नहीं देखोगे कोई किताब नहीं पढ़ोगे शायद ये अगर आपको मुश्किल लगता है या आपके जीवन में आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके okay. लेकिन अगर कभी भी आपको लगे कि यू कैन अफोर्ड टू गिव टेन डेज तो मेरी नज़र में आई थिंक यू विल बी डूइंग अ वेरी बिग फेवर टू योर सेल्फ आप अपने आप को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दोगे अगर आप ये दस दिन निकाल के सीखने चले जाते हो क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन कोर्स है बहुत स्ट्रिक्ट कोर्स है और वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आप बाई द एंड ऑफ दिस यू विल हैव एवरी थिंग यू नीड टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस सो दैट इज़ माई फर्स्ट रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ अ टीचर एक और कोर्स है जिसके बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता चला ये है मंगलो मैं इनकी वेबसाइट भी लगा देती हूँ दिस इज़ टॉट बाय युद्ध धम्मो भिक्खु और इनकी एक बुकलेट है मैं उस बुकलेट का लिंक भी आपको दे रही हूँ ये चौदह हफ्ते का कोर्स है और ये आप घर से कर सकते हो तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप उनकी बुकलेट पढ़ें उनकी बुकलेट में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपने कैसे मेडिटेट करना है ठीक है ये वॉकिंग मेडिटेशन के भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये आपको सिट डाउन मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं तो मैं बोलना भूल गई थी गोयनिका जी वाले कोर्स में भी वो विपासना सिखाते हैं और मंगलो भी वो पठान सूत्र के चारों जो फोर फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस है विच इज़ अनुपासना वेदना अनुपासना चित्त अनुपासना और अनुपासना तो ये चारों चीज़ें ये सिखाते हैं लेकिन इसमें कैवियाट है आप इनका कोर्स तभी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कम से कम एक घंटा दिन का खुद घर पे मेडिटेट करते हैं तो आप, अभी वहां नहीं तो आप इनका कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते जी का कोर्स आप नॉर्मल ऐसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो पर वहां आप दस दिन वहीं उनके पास ही रहोगे एक और टीचर जो मुझे बहुत पसंद है वो झाना मेडिटेशन सिखाते हैं जो हमने कहा था कि समता मेडिटेशन में आती है इनका नाम है ली ब्रेजिंगटन आ, इनकी किताब भी है मैं किताब का लिंक भी नीचे लगा रही हूँ इनकी एक नई किताब निकली है मैं दोनों किताबों का लिंक नीचे लगा रही हूँ मैंने इनका कोर्स बैरी सेंटर से किया था बट इनकी बहुत एग्जॉस्टिव एक वेबसाइट है मैं उस वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ आप उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें और अगर आपको कहीं चांस मिलता है इनके साथ कोर्स करने के लिए तो आप ज़रूर कोर्स करें हाँ इनका भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप कम से कम फोर्टी मिनट्स रोज़ घर में मेडिटेट अपने आप करते हों तभी आप इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एक और टीचर है अजान पुद धमो ये हर थर्सडे छः बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम शाम में यूट्यूब पर कुछ नया पढ़ाते हैं आधा घंटा और फिर अगले आधे घंटा ये प्रश्नों के उत्तर देते हैं और इनकी क्लास एकदम मुझे ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्सिटी में आपके बहुत जो एक अच्छे से प्रोफेसर होते थे ना जिनसे आप कुछ भी पूछने से डरते नहीं हैं ये उस तरह के हैं आप इनसे जाके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और ये खुद उन प्रश्नों को पढ़ रहे होते हैं और ये राइट अवे उन प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये थर्सडे का सेशन सो आई डेफिनेटली विल रिकमेंड दैट सेशन और फिर अजान सोना जिनके मैं बहुत सारे वीडियोस रेकमेंड पहले भी कर चुकी हूँ और आगे भी करने वाली हूँ ये बहुत अच्छे टीचर हैं इनकी थॉट क्लैरिटी इज अमेजिंग द चॉइस ऑफ हिज वर्ड्स इज कम्प्लीटली अनाम तो आई रियली एंजॉय वॉचिंग हिज वीडियोज़ और ये भी क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं uh, अभी संडे को आजकल देते हैं इनका बीच में टाइम चेंज हो गया था तो आई एम नॉट आई डोंट वांट टू से द टाइम सो दोज वुड बी माय रिकमेंडेशंस ऑन वेयर टू फाइंड टीचर्स पढ़ने के लिए द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज द ऑब्जेक्ट फॉर मेडिटेशन तो अगर आप मेडिटेशन के साथ ज्यादा दिन तक स्टिक करेंगे तो ऑब्वियसली आप सारी तरह की डिफरेंट मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स को ट्राई करेंगे लेकिन शुरू में कहीं से तो आपको स्टार्ट करना है तो हियर आर सम ऑब्जेक्ट्स मेता मेत्ता मेडिटेशन इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर पीपल जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो एक्सट्रीम स्ट्रेस की सिचुएशन से जा रहे हैं जिनकी लाइफ बहुत हार्ड है इस टाइम शायद मेत्ता मेडिटेशन इज़ दी बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट मेत्ता मेडिटेशन ऑल्सो हैपन्स टू बी द थिंग दैट आई personally happen to know the most about. तो मैं शायद इसके बारे में एक अलग से पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ इसके बहुत सारे रिजोर्सेज हैं मैं वो शेयर करना चाहती हूँ दूसरा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है ब्रेथ तीसरा ऑब्जेक्ट बॉडी स्कैन और चौथे कैटेगरी में डाल रही हूँ और बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं मेडिटेशन के तो ट्रेडिशनली मेडिटेशन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आपकी पर्सनालिटी को देख कर दिया जाता है जो कि एक क्वालिफाइड टीचर आपको बताता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो तो टीचर ऐसा होगा जो आपको पर्सनली जानता हो जो आपकी नेचर से वाकिफ हो और उसके हिसाब से आपकी प्रोग्रेस में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी वो देख कर वो टीचर आपको रिकमेंड करता है कि आप इस चीज़ से मेडिटेशन स्टार्ट करें तो जैसा मैंने कहा अगर आपके पास टीचर है तो बहुत अच्छी बात है आप उनकी बात सुने अगर टीचर नहीं है तो आप खुद से कहाँ से स्टार्ट करें सो टू ऑफ द ईजिएस्ट प्लेसेस टू स्टार्ट विद वेयर मोस्ट पीपल डू इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद मेहता इज़ ब्रेथ मेडिटेशन और बॉडी स्कैन तो इनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं तो ब्रेथ मेडिटेशन की काफ़ी सारी गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस हैं जो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ इसमें मेरा पहला रेकमेंडेशन है गोइंका जी का एक गाइडेड आनापान सती मेडिटेशन वीडियो है ये वीडियो आप ऐसे भी देख सकते हैं यदि आपने उनका वो दस दिन का कोर्स नहीं किया क्योंकि जो उनका दस दिन का वासना जो वो सिखाते हैं वो तो वो नहीं कहते कि कोई भी बिना कोर्स ज्वाइन किए सीखे राइट तो रिस्पेक्टिंग माई टीचर आई विल नॉट शेयर एनी इंस्ट्रक्शन ऑनपासना टेक्निक वो आपको वहीं जाकर सीखनी पड़ेगी बट ये वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है YouTube पर तो मैं इसका लिंक दे रही हूँ आप इस वीडियो से सीख सकते हैं एक और वीडियो है थानीसारो भिक्खू का जिसमें वो ब्रेथ मेडिटेशन सिखाते हैं तो मैं इसका लिंक यहाँ लगा देती हूँ इनकी एक बुकलेट भी है और अपनी बुकलेट में भी वो बहुत डिटेल्ड बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं रिमेम्बर ये इंस्ट्रक्शंस आप तभी यूज करेंगे यदि आपके पास कोई एक्चुअल फिजिकल टीचर नहीं है जिससे आप सीख रहे हैं अगर टीचर है तो ऑफकोर्स अपने टीचर की बात सुनें और वही करें जो आपके टीचर ने आपसे करने को कहा है एक थर्ड वीडियो जिससे आप ब्रेथ मेडिटेशन सीख सकते हैं जोसेफ गोल्डस्टीन का वीडियो है इसमें ये एक्चुअल के शुरू के ब्रेथ मेडिटेशन के मेरे ख्याल से चार या पांच स्टेप्स को टैकल करते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो यहाँ से भी आप ब्रेथ मेडिटेशन सीख सकते हो इन वीडियोज के अलावा यदि आप चाहो तो आप एक्चुअल आना सती सूत्र जो कि क्लेम है कि ये बुद्ध ने जब ब्रेथ मेडिटेशन सिखाई तो उन्होंने ये 16 या 18 इंस्ट्रक्शंस दिए तो वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर भी आप मेडिटेशन ब्रेथ मेडिटेशन सीख सकते हो शुरू में शायद सूत्र पढ़ के इंस्ट्रक्शन सीखना मुश्किल लगे तो हम ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ शुरू के दो तीन सेंटेंसेस दो तीन इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ जिससे भी शायद आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप अपने आप से भी ये सूत्र पढ़ के ब्रेथ मेडिटेशन सीख सकते हो तो ये एक्सेस टू इनसाइट का आना पाना सूत्र का ट्रांसलेशन है इसका लिंक मैं नीचे लगा रही हूँ तो इसमें हम शुरू का पार्ट छोड़कर कर यहाँ पर आते हैं माइंडफुलनेस ऑफ इन एंड आउट ब्रीदिंग नाउ हाउ इज़ माइंडफुलनेस ऑफ इन एंड आउट ब्रीदिंग डेवलप्ड एंड परस्यूड सो हैज टू बी ऑफ ग्रेट फ्रूट ऑफ ग्रेट बेनिफिट तो अब ये इंस्ट्रक्शंस तो पहला किसी ने सवाल पूछा है कि ये कैसे करनी है ब्रेथ मेडिटेशन और उसका उत्तर दिया जा रहा है देयर इज़ द केस वेयर अ मंक हैविंग गॉन टू द विल्डरनेस टू द शेड ऑफ अ ट्री और टू एन एम्पी बिल्डिंग तो कहीं एकांत एक में जाकर सिट्स डाउन फोल्डिंग हिज लेग्स क्रॉसवाइज तो उसका भी इंस्ट्रक्शन है कि आप बैठे किस तरह से बैठा जाए मेडिटेशन के लिए होल्डिंग हिज बॉडी इरेक्ट अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग माइंडफुलनेस टू द फोर ऑलवेज माइंडफुल ही ब्रीद्स इन माइंडफुल ही ब्रीद्स आउट तो अब ये आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि करना क्या है जब आपने बैठना है तो जैसा मैंने कहा अगर आपके पास टीचर है तो आप अपने टीचर की सुनो अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा है तो यहाँ ये सूत्र है इसमें आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या करना है और ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ कि जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था और मुझे मेरे पास उस टाइम कोई टीचर नहीं था तो पहली बार जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ कोई यहाँ सामने मेरे सामने खड़ा होकर मुझे सिखा रहा है इंस्ट्रक्शन फॉलो द इंस्ट्रक्शन शायद आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ऑलवेज माइंडफुल ही माइंडफुल का क्या मतलब है तो उसमें अगेन शायद थोड़ी देर के लिए डाउट होगा बट देन द नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लैरिफाई दैट ऑल्सो सो द इंस्ट्रक्शन इज ब्रीदिंग इन लॉन्ग ही डिसन आई एम ब्रीदिंग इन लॉन्ग सो डिस He understands. It's, Aap usko label kar rahe, bol rahe. He discerns I am breathing in long, or breathing out long, he discerns I am breathing out long. To be aware of that. Then the next instruction is or breathing in short, he discerns I am breathing in short, or breathing out short, he discerns I am breathing out short. सो इन दैट वे दिस इज़ ब्रोकन डाउन एकदम एक दो तीन करके आपको इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो सोलह मैंने सोलह या अठारह में मुझे कन्फ्यूजन था तो सोलह स्टेप्स हैं ब्रेथ मेडिटेशन करने के और वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं आप सारे सोलह ना भी कर सकें तो पहले शुरू के दो तीन चार तो आपको समझ आ ही जाएंगे आप वहाँ से स्टार्ट करें और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स जब आप ये करना शुरू करेंगे You will find that the path is opening for you, and you will find a teacher who can answer questions to you. So that's the place to start learning. The next category was learning about body scan. So again, body scan में मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप 10 दिन afford कर सकते हो, तो आप जाके गोइका जी का कोर्स ज्वाइन करों, आप वहाँ जाके body scan सीखो, he it is the best option. Okay? लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हो और आपको कहीं और से सीखनी है तो उसके मैं दो रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ मैं ये वीडियो नीचे लगाने वाली हूँ उसका लिंक जॉन कबद जिन का एक गाइडेड मेडिटेशन है बॉडी स्कैन का और एक ली ब्रेजिंगटन का उनकी वेबसाइट पर एक 40 मिनट्स का बॉडी स्कैन के इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो कि बॉडी स्कैन के इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिए हुए हैं तो वो सती पठान सूत्र में दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस मैं इट इज़ द पार्ट विच इज़ वेदना अनुपासना मैं उसका भी लिंक नीचे लगा रही हूँ हाँ हर चीज़ शायद अपने आप से पढ़ के नहीं आ सके तो कहीं ना कहीं टीचर की जरूरत पड़ेगी बट एटलीस्ट तब तक आप शुरू कर सकते हो इज ऑल आई कैन से लेट इस नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज कमिटमेंट टू द प्रैक्टिस तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि गाइडेड मेडिटेशन इज नॉट प्रैक्टिस अगर आप रोज सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन पर ही मेडिटेट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो शायद ठीक नहीं है उससे आपको उतना फायदा नहीं होगा आप गाइडेड मेडिटेशन जरूर यूज़ करो बट वो सीखने के लिए यूज करो इट शुड बी इट इज़ लाइक मैं एनालॉजी जो दे सकती हूँ वो ये है कि जैसे डांस है आपके डांस टीचर ने आपसे कह दिया कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो जहाँ पे फोर किया था वहीं से फाइव करना उन्होंने आपको सिखा दिया अब वो एक्चुअल प्रैक्टिस में तो जितनी बार आप करोगे तभी आप बेटर हो गए अगर आप सिर्फ बैठ कर अपने टीचर को ही देखते रहो या सिर्फ जब टीचर आपको बोले तभी आप कर सकते हो वो स्टेप तो वो आपकी खुद की लर्निंग तो नहीं हुई, राइट सो दैट्स काइंड ऑफ द एनालॉजी आई विद मेडिटेशन ऑल्सो आप अपने लिए कोई कमिटमेंट करो जिसको हिंदी में शायद व्रत कहते हैं तो जैसे लोग व्रत रखते हैं नरातों के व्रत रखते हैं कि हम नौ दिन के लिए ये ये चीजें नहीं खाएंगे उस तरह से आप अपने लिए कोई व्रत रखो कि मैं पाँच दिन दस दिन पचास दिन इतने मिनट के लिए ज़रूर रोज़ रोज़ मेडिटेट करूँगी ठीक है और उसमें मैं लेटर ऑन मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं बात करना चाहती हूँ कि आप कैसे चुनो कि आप कितने दिन आ, कितने दिन तक लगातार मेडिटेट करोगे टाइम मैंने कैसे अपना टाइम इंक्रीज़ किया कैसे आई गॉट टू दिस पॉइंट कि मैं जिसमें मेरा एवरेज वन आवर डेली हो सके आई वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ दोज आइडियाज़ डैट आई यूज फॉर माई सेल्फ कुछ चीज़ें जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को कमिट करूँ क्योंकि ऐसा टाइम था कि मैं जाकर सीख कर आ गई थी मेडिटेशन पर फिर भी वो फॉल्स स्टार्ट्स रहते थे मैं थोड़े दिन मेडिटेट करती थी फिर मैं छोड़ देती थी फिर मैं करती थी फिर छोड़ देती थी और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने प्रॉपर जाकर मेडिटेशन सीखा है उन्हें करना आता है पर उनकी कमिटमेंट में कहीं लैग है और वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप ही अपने लिए ठीक कर सकते हो वो कोई भी और दुनिया का ठीक नहीं कर सकता लेकिन कोई हमें इंस्पायर कर सकता है कि हम भी कमिट करें जब हम किसी और को अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो उसमें जिन चीज़ों से मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली वो आया खेमा ने एक जगह एक क्वेश्चन पूछा कि आर यू सीरियस और आर यू डैबलिंग इन मेडिटेशन और ने कहा कि हाँ अगर तुम डैबल कर रहे हो जैसे कुछ लोग पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं कोई पॉटरी सीख के आ जाता है ज़रूरी नहीं कि वो कोई पेंटर ही बन जाएगा उससे तो अगर आप सिर्फ डैबल कर रहे हो मेडिटेशन में तो ठीक है लेकिन जब आप सीरियस हो जाओगे तो आपकी लाइफ में कोई फर्क आएगा मेडिटेशन से तो, तो दैट इज़ द क्वेश्चन जो शायद आपको अपने आप से पूछना है कि आप मेडिटेशन के बारे में सीरियस हो या आप ऐसे ही अभी ट्राई कर रहे हो थोड़ी देर के लिए और मेरे ख्याल से दैट वॉज द बिगेस्ट पुश फॉर मी टू फाइनली कमिट टू मेडिटेशन एंड मेक अ चेंज इन माई लाइफ एक और मंत्र है जो जॉन कबद ने बोला कि वो अपने लिए यूज करते थे और उनका मंत्र था नॉट इवन वंस विच मीन्स कि एक बारी भी मिस नहीं करना है नॉट इवन वंस किसी दिन अपने को परमिशन नहीं देना कि मिस कर दो मेडिटेशन अनदर थिंग दैट रियली आई फाउंड इंस्पायरिंग वो दिस कोट इट्स मुझे पता नहीं ये कहाँ से है किसने कहा कि आई हैव नॉट नोन एनी वन हु हैज़ क्रिएटेड अ कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस इन देयर स्पेयर टाइम यानी ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसी साइड पर हो जाएगी इसके लिए आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी आपको इसमें अपना टाइम एनर्जी लगाना पड़ेगा सिर्फ तभी आप एक कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस बना सकते हो और एक किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी विच अगेन ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू कमेंट वो ऑज दिस बुक बाय ओपासका की नैनोन इट इज कॉल्ड प्योर एंड सिंपल तो शी डज़ नॉट मीन्स वर्ड्स वो बहुत साफ़ एज इट इज शी कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड और वो बहुत साफ बोलती हैं कि हाँ बैठो एक घंटा दर्द हो रही है तो क्या दर्द हो रही है बैठो एक घंटा नहीं हिलना बिल्कुल नहीं हिलना राइट right? सो so, जब हम ऐसे लोगों की बात सुनते हैं तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे लगता है कि अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ माई सजेशन वुड बी टैप इन टू वट एवर इज़ योर न्यूरल नेटवर्क वेअर यू हैव कैप्ट कमिटमेंट्स तो आप जब स्कूल में पढ़ते थे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे आप नौकरी करते हैं आपके बच्चे हैं आपने बहुत सारी कमिटमेंट्स की हैं और आपने उन कमिटमेंट्स को निभाया है तो so, वो कैसे की थी उनको कैसे निभाया था आप अपने नेटवर्क को अगर टैप करोगे तो यू विल कम अप विद वेज इन विच यू कैन ऑल्सो कमिट टू मेडिटेशन और एक एक्सरसाइज जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ विच हेल्प मी विद माई कमिटमेंट वो उसकी जब जब आपका मेडिटेशन मिस हो जिस भी दिन आप नहीं मेडिटेट करो उस दिन आप अपने पास किसी डायरी में किसी नोटबुक में लिखना शुरू करो कि आज मैंने क्यों मेडिटेट नहीं किया तो जब मैंने अपने साथ ऐसा किया तो मैंने देखा कि मैं ऐसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स शेयर कर सकती हूँ मैं रीज़न लिख रही थी मेरे सर में बहुत दर्द था इसलिए मैंने मेडिटेट नहीं किया या मैंने रीजन लिखा कि आज मैं बड़ी बिजी थी मैं पता नहीं क्या क्या काम कर रही थी इसलिए मैंने मेडिटेट नहीं किया फिर एक दिन मैंने लिखा कि मैं ना बहुत थकी हुई थी तो मैं सिर्फ टी देखती रही क्योंकि तो मुझे आराम भी तो करना है ना लाइफ में तो इसलिए मैंने मेडिटेट नहीं किया ऐसे सारे रीजंस जब बार 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 ये रीजंस मैंने देखने शुरू किए हैं तो इट हेल्प मी इन द वे कि मुझे फाइनली एक दिन ये बात क्लिक हुई कि द ओनली देर इज ओनली वन रीज़न व्हाई आई डोंट मेडिटेट ये सब बहाने हैं और वो एक एक रीजन ये है कि मैं अपने आप को कहीं अंदर ये परमिशन देती हूं कि कोई बात नहीं एक दिन मेडिटेशन नहीं किया तो क्या आफत आ गई कोई बात नहीं इट इज ओके टू मिस मेडिटेशन और मुझे लगता है कि जब तक मैं अपने आप को ये कहती रहूंगी ना कि इट्स ओके टू मिस मेडिटेशन मैं जरूर कोई ना कोई बहाना निकाल कर मेडिटेशन मिस करूंगी ही करूँगी तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब मैंने अपने को कहना शुरू किया है कि नो इट इज नॉट ओके टू मिस मेडिटेशन नॉट इवन वंस सो दैट इज वेयर जॉन कब इन प्लेस कि नॉट इवन वंस एक बारी भी मिस करना ठीक नहीं है तो जब हम अपने से ये कहना शुरू करेंगे तो दैट विल कॉज अ वेरी बिग चेंज इन योर प्रैक्टिस द थर्ड थिंग टू डू इज़ टू ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है जब आप मेडिटेट करते हो तो उसमें आपके कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके कोई नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं या आपके क्या क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं जब आप मेडिटेट करते हो उसका आप कोई नोटबुक रख सकते हो कोई डायरी लिख सकते हो जैसे भी आप ट्रैक रखना चाहो अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि मेडिटेशन करने से सिर्फ ये नहीं होगा कि आप हर टाइम सिर्फ काम रहोगे आप जैन मूड में हर टाइम हो उसमें कुछ नेगेटिव बातें भी निकल कर आती हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है मैंने अभी रिसेंटली किसी को ये बोलते हुए सुना कि लोग अक्सर मेडिटेशन तब छोड़ देते हैं जब वो काम कर रही होती है तो अगर आपकी कोई नेगेटिव बातें निकल कर आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन काम नहीं कर रही शायद वो एक्चुअल में आपके लिए काम कर रही है अब मैं एग्ज़ाम्पल्स देने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हूँ क्योंकि फिर शायद यू स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट एक्जैक्ट सेम थिंग बट हर एक कोई डिफरेंट है हर एक को डिफरेंट रिएक्शन्स निकल कर आएँगे हर एक को डिफरेंट रिजल्ट निकल कर आएँगे राइट बट कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो मैंने सुनी हैं और मेरे साथ भी हुई जो मेडिटेट करने से उनमें कुछ चीज़ें आती हैं कि आपको मेरी एनर्जी बढ़ जाती है राइट right? कि आप शाम तक उतना थकते नहीं हो जितना नॉर्मल थक जाते हो जब आप मेडिटेट नहीं करते हो या जब टफ सिचुएशन सामने आती हैं लोग मिसबिहीव करते हैं तो आपको मुझे नहीं पता एकदम से आपका बाहर का बिहेवियर शायद चेंज ना हो लेकिन आपका अंदर से बिहेवियर चेंज होने लग जाता है आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं उससे तो उस पर कुछ कंट्रोल आना शुरू हो जाता है कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि शायद आपके आसपास के लोग वो चेंजेस ना देख पाएं और वो ना समझ पाएँ तो अगर आप दूसरों से देखोगे और वो कहेंगे अच्छा तू तो मेडिटेट कर रही है फिर भी तेरे को गुस्सा आ रहा है अच्छा क्या फ़ायदा तेरी मेडिटेशन का अभी भी तू ऐसे कर रही है तो उससे आप ज़्यादा परेशान ना हो, दूसरों को आपके इंटरनल स्टेट के बारे में नहीं पता यू हैव टू मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट योर इंटरनल स्टेट कि आपको मेडिटेट करके क्या चेंजेस आपके अंदर फील होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है और नेगेटिव चेंजेस की भी मैं ये कहूँगी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जब आप मेडिटेट करना शुरू करो तो शायद आप ज़्यादा नोटिस करने लगो अपनी नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको डर ज़्यादा लगने लग गया है बट ऐसा हो सकता है कि आपको अपना फ़ियर ज़्यादा नज़र आने लग जाए तो वो okay. दिखना शुरू हो जाएगा और अब वो जो दिखना शुरू होगा तो फिर इमरान खान ने हमको बताया है कि घबराना नहीं है उस टाइम पर आपने परेशान होकर मेडिटेशन छोड़ नहीं देनी है यू कंटिन्यू विद योर मेडिटेशन मेरे साथ ये हर बार जब भी मैं अपना मेडिटेशन का ड्यूरेशन बढ़ाती हूँ और मैं ज़्यादा टाइम मेडिटेट करना शुरू करती हूँ तो आई ऑलवेज स्टार्ट नोटिसिंग कि मेरे इंटरनल सेल्फ टॉक जैसा लगता है कि ज़्यादा शुरू हो गई है खचपच खचपच खच खचपच खच 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 बहुत हो रही है बट अब मुझे ओवर टाइम समझ आया कि वो ज़्यादा शुरू नहीं हो गई है वो उस लेवल पर थी मुझे ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है और फिर मैं अगर, अगर अपना मेडिटेशन की अवधि बढ़ा देती हूँ तो मेरा माइंड एक नया लेवल के काम पर पहुँचता है जिससे मैं यूज़ टू हो जाती हूँ और फिर अगेन अगर आप ज़्यादा मेडिटेट करते हो तो फिर आपको वो वो जो नया लेवल है वो भी खचपच खचपच लगने लगता है एंड यू नीड टू गो डीपर एंड डीपर एंड देर इज़ अ न्यू लेवल ऑफ पीस एट एवरी डीपर स्टेप सो दैट्स काइंड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफकोर्स जब आप ऑब्जर्व अब करोगे तो आपको क्वेश्चंस भी निकल कर आएंगे और उन uh, क्वेश्चंस के लिए सो इट काइंड ऑफ बिकम्स अ साइकिल तो आपको पहले आपने लर्निंग से स्टार्ट किया था फिर आपने उस लर्निंग को प्रैक्टिस किया आपने कमिट किया कि मैं इतना तक प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी और प्रैक्टिस के टाइम में आप गाइडेड मेडिटेशन नहीं यूज़ करोगे गाइडेड मेडिटेशन सिर्फ लर्निंग के टाइम में यूज़ करोगे और फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप ऑब्ज़र्व करोगे कि मुझ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन से आपके क्वेश्चन निकल कर आएंगे विच वुड पुश यू टुवर्ड्स लर्निंग मोर एंड देन दैट वुड बिकम अ साइकिल फॉर योर मेडिटेशन प्रैक्टिस आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं अगले वीडियो में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जो हमने स्टेप वन सी में बात की थी ऑब्जेक्ट मेता मेडिटेशन तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ यू फाइंड एनी बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज़ प्लीज़ सेंड मी योर ब्लेसिंग्स मे आई ग्रो इन मेडिटेशन मे यू ग्रो इन मेडिटेशन मे यू ग्रो इन विजडम मे आई ग्रो इन विजडम थैंक यू